नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। 15 नवंबर को भोपाल आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। डस्ट फ्री रहेगा बीआरटीएस कॉरिडोर, पेंटिंग बढ़ाएगी बीयू की दीवारों की खूबसूरती। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, दो दिन शहर में रहकर पर्यटन के विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, प्रेजेंटेशन को लेकर अफसर तैयार। सागर में भजनों पर थिरके, नगरीय प्रशासन मंत्री दीपावली मिलन समारोह में शामिल हुए थे मंत्री। कार्यकर्ताओं के साथ भजनों पर झूमते दिखे मंत्री भूपेंद्र सिंह। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में सुभाष नगर आरओबी से गायत्री मंदिर तक काम पूरा, एमपी नगर में गार्डन लॉन्चिंग शुरू। एमपी में आज से फिर वैक्सीनेशन अभियान शुरू, शहरी क्षेत्र में 119 व ग्रामीण क्षेत्रों में 106 सेंटर, लोगों से अपील दूसरा डोज जरूर लगवाएं। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण से राहत, 10 दिन बाद ग्वालियर कोरोना से हुआ मुक्त, कोई एक्टिव केस नहीं। मेडिकल यूनिवर्सिटी का फैसला, इंदौर के मेडिकल छात्रों की दोबारा होगी पूरक परीक्षा। डेंगू का डंक, ग्वालियर में मरीजों की संख्या 1800 के पार, श्योपुर के नायब तहसीलदार की डेंगू से मौत। प्रदूषण बोर्ड की लापरवाही, शहर में 347 अस्पताल, इनमें से 31% खुले में फेंक रहे बायोमेडिकल वेस्ट। बादल छाने से दिन और रात के तापमान में आया मामूली उछाल, अब धीरे धीरे बढ़ सकती है ठंड। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।